वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइज, आज मैं 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर्स हैं, 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था वो 19 दिसंबर से मैंने वीडियोस अपलोड किए थे करंट अफेयर्स के, लेकिन उसके पहले के कुछ वीडियोस फिर अपलोड नहीं थे। तो दिसंबर मंथ को कवर करने के लिए ये 1 से 5 दिसंबर का वीडियो मैंने आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि अभी जो IBPS क्लर्क की मेंस आएगी, तो उसके लिए फिर आपको दिसंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे हो जाएंगे अप टू 25 दिसंबर। इसके बाद में 6 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक जो भी वीडियोज़ बनेंगे, दो वीडियो में वो भी करंट अफेयर्स कवर कर लूँगा। यानी हमारे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो हम बिना वक्त गवाए अभी स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए स्लाइड्स मैंने बनाई नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लॉन्गेस्ट बाइसिकल हाईवे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो बाइसिकल हाईवे कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए गाइस। उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया। उसके बाद द गोल्डन जुबली 50th सेलिब्रेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड लॉ, सो कहाँ पे ये हेल्ड किया गया है किया गया था, तो इंडिया में इसको हेल्ड किया गया था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो प्लेइंग इट माई वे, ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है। उसके बाद गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी जाइंट हैज़ अनाउंस पार्टनरशिप विद इंडियन कॉन्ग्लोमरेट एंड मल्टी नेशनल महिंद्रा टू डेवलप ब्लॉक चेन सोल्यूशन टू रिवोल्यूशनाइज सप्लाई चेन फाइनेंस इन द कंट्री। तो किसके साथ महिंद्रा ने पार्टनरशिप की है, तो इसका आंसर है गाइस IBM के साथ। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैव सीन नियरली 80,000 करोड़ इंक्रीज इन ग्रॉस NPS, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, तो 80,000 करोड़ के हो गए 3 मंथ्स एंड सितंबर 2016 तक। तो NPA का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 1 दिसंबर एनुअली। थीम क्या था इस बार के एड्स डे का, तो थीम था हैंड्स ऑफ फॉर HIV प्रिवेंशन। उसके बाद इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग बाय 4 places टू पोजिशन अमॉन्ग 136 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ एनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विथ सिंगापुर लीडिंग द लिस्ट। सिंगापुर ने लीड किया है क्रॉस बॉर्डर लिस्ट में। सो हमारा कितना रैंक है उसमें, तो उसमें हमारा रैंक है 102nd। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक ओडिशा की, हैज़ इनाग्रेटेड टाटा स्टील्स 55,000 टन पर एनम TPA फेरोक्रोम प्लांट इन गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कौन से, तो मैंने जैसे बताया उड़ीसा के ये है। सॉरी, ठीक है, उड़ीसा के है ये, गलती से हो गया यहाँ पे, ये उड़ीसा आंसर है इसका। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू डेवलपमेंट पैकेजेस फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ 36,384 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड छांब। तो कितने रुपीज़ इन्होंने दिए हैं इनके रिहेबिलिटेशन ही हम बोलेंगे उसको। सो इसका आंसर है गाइस 2,000 करोड़, ठीक है। बाद में ब्रेकिंग द बोफोर्स जिंक्स, इंडिया एंड कौन, बोफोर्स का जो है किसने एग्रीमेंट किया, तो USA इंक एंड इंक नियरली ₹5,000 करोड़ डील 145mm777 अल्ट्रा लाइट हॉजियर्स विच विल बी मोस्टली डिप्लॉयड नियर द बॉर्डर्स विद चाइना, ठीक है। बाद में 11th क्वेश्चन है कि जो मिसयूज़ है जनधन अकाउंट्स का, ब्लैक मनी होल्डर्स कर रहे हैं, तो विड्रॉवल रिस्ट्रिक्शंस कितने पे आ चुका था, तो उसमें 10,000 रुपीज़ तक आ चुका था। उसके बाद हु हैज़ ओन द वर्ल्ड चेस चैम्पियन फॉर 3rd consecutive year, तो किसने सर्जे करजाकिन को हरा के जीता है क्राउन, तो जीता है मैग्नस कार्लसन इन्होंने। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक्स हैज़ टाइड अप विथ स्पाइस डिजिटल फॉर कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए स्पाइस, जो स्पाइस डिजिटल है, इनके साथ किसने टाई अप किया है, कौन सी बैंक ने टाई अप किया है, तो फेडरल बैंक ने टाई अप किया है।
बाद में देखिए इंडिया इज होस्टिंग 2 डे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे होस्ट की थी इंडिया ने, तो अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड दैट सिनेमा हॉल अक्रॉस द कंट्री मस्ट प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर ऑन, तो नेशनल एंथम, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CCI हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ भारतीय महिला बैंक विद द SBI, द BMB हेडक्वार्टर। BMB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी था अभी तो न्यू दिल्ली में था भारतीय महिला बैंक का। और उसके बाद एज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड क्वार्टर, सो जुलाई सितंबर 2016, द करंट फाइनेंशियल ईयर हमारी ग्रोथ क्या थी, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ अनाउंस की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 7.3%। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एडॉप्टेड द कैशलेस सिस्टम फॉर ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स, सो जो है हिमाचल प्रदेश ने एडॉप्ट की है। विच अमंग द फॉलोइंग मेट्रो हैज़ कम्प्लीटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट टनलिंग प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, किस मेट्रो ने लार्जेस्ट टनलिंग प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया, तो दिल्ली मेट्रो। उसके बाद नेम दी नेम ऑफ द इंडियन बेस्ड फैशन प्लेटफॉर्म विच हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑफ फेसबुक डेवलपर फोकस स्टार्ट एप बी स्टार्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है, तो काउटलूट, ठीक है। उसके बाद टू सपोर्ट डिमोनिटाइजेशन मूव एंड एडवांस गवर्नमेंट्स विजन फॉर कैशलेस इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है विल बी होल्ड 2 डे लेस कैश इंडिया समिट फ्रॉम डिसम्बर टू इन डिसम्बर टू, तो कहाँ पे किया, न्यू दिल्ली में होगी है, हो चुकी है समिट, ठीक है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बींग ऑब्जर्व ऑन 3rd December, थीम क्या था इस बार के वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का, तो थीम था गाइज अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वॉन्ट। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हमारी ग्रोथ कितनी होगी, 7.6%। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन द एशियन फुटबॉल काउंसिल डेवलपिंग मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड, डेवलपिंग मेंबर किसने जीता, तो इंडिया ने जीता एशियन फुटबॉल काउंसिल का। बाद में द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट शेड्यूल सर्विस फ्लाइंग इट फ्रॉम दुबई टू दोहा विद इन 18 मिनट्स, सो ऑन एयरबस A380 लॉन्च बाय विच एयरलाइन, किस एयरलाइन ने ये सर्विस लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है इमिरेट्स एयरलाइन ने, ठीक है। उसके बाद नेम द कंपनी विच हैज़ रिसेंटली लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिसेंटली लिस्टेड हुई है ये कंपनी, तो इसका नाम है गाइज यही KIOCL कुंदरमुख आयर वन कंपनी लिमिटेड, आयर ओवर कंपनी लिमिटेड। नेम दी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हु स्मैश करियर 164 इन 157 बार फर्स्ट ODI अगेंस्ट न्यूजीलैंड टू इक्वल रिकी पॉन्टिंग्स रिकॉर्ड द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय ऑशेज कीपर, तो कौन सा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है वो स्टीव स्मिथ, ठीक है। विच कंट्री हैज़ ओन वुमेंस क्रिकेट एशिया की कप T20, तो वुमेंस एशिया कप T20 किसने जीता, तो ये जीता इंडिया ने, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम द मोस्ट एडमायर्ड लीडर इन द टेक्नोलॉजी स्पेस इन सर्वे कंडक्टेड बाय VC फ्रॉम फर्स्ट राउंड कैपिटल इन्वॉल्विंग 700 स्टार्टअप, तो कौन किसने जीता ये अवार्ड, तो इलॉन मस्क, ठीक है। 6th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो इसका आंसर है गाइज ओमान में, ठीक है। कहाँ पे होगी, ठीक है, तो सॉरी अमृतसर पंजाब में, जो कि क्वेश्चन रिपीट हुआ ये नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद 31st डोनाल्ड ट्रम्प नेम जनरल मोटर्स CEO, इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है, तो क्वेश्चन 31 का आंसर है बी के मैरी बरा, ठीक है। 32 विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम टू पे वेजेस टू टी गार्डन वर्कर्स थ्रू इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स फ्रॉम December 15, 2016 डेडलाइन सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शंस, सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया है ये, सो इसका आंसर है ई हलंगकंडी, ठीक है। और 33 क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 22 में जो है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विल ट्रेन कथार पुलिस फॉर हैंडलिंग द सिक्योरिटी ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दैट कंट्री, तो कहाँ पे होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, तो होने वाला है इंडिया में, ठीक है। 34 का आंसर क्या रहेगा, इंडिया एंड कतार हैज साइन 4 एग्रीमेंट्स, ठीक है, वीजा साइबर स्पेस और इन्वेस्टमेंट में। और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउन मिस सुपर नेशनल 2016 एंड इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेगनेंट, तो कौन बनी है, तो ये बनी है श्रीनिधि शेट्टी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे।